हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। चना को मैंने भिगा दिया है। भिगाने बाद इसको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे। प्रेशर कुकर में डालने के बाद थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा सा चना, एक मुट्ठी इतना चना का दाल भी डाल देंगे। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है। चना का दाल देखिए, ज़्यादा नहीं, बस एक मुट्ठी। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा नमक ऐड करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ये मैंने डाला हल्दी। इसके बाद नमक डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार डालेंगे नमक इसमें। इसके बाद एक बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब प्रेशर कुकर में ढक्कन लगा देंगे। दो सीटी आने के बाद इसको बंद कर दीजिएगा। गैस पर चढ़ा के दो सीटी आने के बाद इसको बंद कर दीजिएगा। ये देखिए मेरा सीटी आ गया, दो सीटी हो गया, चना उबल गया है। दो सीटी आने में इतना पक गया है, कोई कोई छिलका भी छोड़ दिया है। अब इसको ठंडा होने के बाद अलग एक बाउल में निकाल दीजिएगा। देखिए चना का दाल देखिए कैसे प्रेस होके हो जा रहा है, दब जा रहा है दबाने पे। चना का दाल भी पक चुका है पूरे अच्छे से। अब उसको बनाने के लिए 8 से 10 लहसुन ले लेंगे, थोड़ा सा अदरक ले लेंगे, एक टमाटर ले लेंगे। आप चाहे तो अदरक को कुछ कुछ करके भी डाल सकते हैं या कट करके डाल दीजिएगा। दो प्याज ले लीजिएगा, दो प्याज पेस्ट में डाल दीजिएगा, दो प्याज छौके में डालना है। प्याज को कट कट के डाल दीजिएगा। आप एक टमाटर से हाफ टमाटर ही पेस्ट बनाइएगा, हाफ टमाटर रख दीजिएगा। फिर कुछ गरम मसाले ऐड कर दीजिएगा, जैसे 5-6 गोल मिर्च ले लीजिएगा, लौंग ले लीजिएगा, दालचीनी ले लीजिएगा, सब डाल दीजिएगा। एक इलायची ले लीजिएगा, एक या दो भी ले सकते हैं आप। अब दो प्याज मैंने बचा के जो रखा था उसको स्लाइस काट लेंगे। स्लाइस काट लेंगे इस तरह। फिर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। फिर इसमें तेजपत्ता, गर्म मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी डाल दीजिएगा। फिर प्याज ऐड कर लीजिएगा। प्याज को हल्का ब्राउन करके भूनिएगा, हल्का ब्राउन करके भून लीजिएगा कुछ इस तरह से। भूनने के बाद इसको आप ग्राइंडर में मसाला जो पेस्ट बना के रखे हैं उसको ऐड करिएगा। ये देखिए मिक्सी का मसाला पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा इसमें। ये देखिए फाइन पेस्ट बना लिया हमको। अब इसको मसाला का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद इसमें कुछ मसाला ऐड कर लेंगे। हाफ टमाटर आपने जो रखा था इसमें कट करके डाल देंगे। फिर इसमें टमाटर डाल देंगे, हल्का नमक भी डाल देंगे, ऐड करेंगे इसमें मसाला। हल्दी डाल देंगे आप, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर हो गया ये, थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर,
छोला मसाला पाउडर सबको मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लीजिएगा, इसे मसाला अच्छे से भूनता है। देखिए मसाला भूनता है, भूना रेडी हो रहा है, हमारा चना भी रेडी है। इसके बाद मसालों को एक बार देख लीजिएगा, तेल छोड़ने तक पकाइएगा, अच्छे से पका लीजिएगा। याद रखिए चने का पानी फेंकना नहीं है, हम लोग फेंकते नहीं हैं, हम लोग यूज कर लेते। कोई कोई होता है फेंक देता है, जो चाय पत्ती वाला पानी होता है यूज करते डालते हैं वो फेंक देते हैं। मसाला मेरा अच्छे से पक चुका है, तेल छोड़ चुका है कढ़ाई, थोड़ा सा और भूनने के बाद इसको अच्छे से भूना, कच्चापन का टेस्ट ना रहे इसमें। देखिए इसके बाद चना ऐड कर देंगे, पानी आपको फेंकना नहीं है, पानी से ही थी चना डालना इसमें, इसे टेस्ट आता है। आप लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग इस तरह बनाते हैं अपने आप। अच्छे से मिला लीजिएगा, नमक एक बार टेस्ट कर लीजिएगा आप लोग, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से उबल गया कि नहीं। हमारा छोला रेडी है, हमारा छोला एकदम रेडी हो गया है। चने डालने के बाद इसको 5 मिनट पर पकाइएगा, बस ज़्यादा नहीं। इसके बाद भटूरे का आटा तैयार कर लेंगे हम। हमने 2 कप मैदा लिया है, 2 कप का आधा कप मतलब 3 टेबल स्पून सूजी लिया है। अब ऐड कर रहे हैं इसमें हम बेकिंग सोडा, अभी शुगर ऐड किया है, शुगर ऐड कर रहे हैं। शुगर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 स्पून, बेकिंग सोडा, इसके बाद ऐड करेंगे हम बेकिंग पाउडर, छः चम्मच इतना दही। उसके बाद गूंथ लेंगे, थोड़ा नरम गूंथना है इसको, कुछ इस तरह से। थोड़ी बस इसको रेस्ट के लिए रख देंगे आप 15 मिनट। उसके बाद हाथ में तेल लगा के इसको अच्छे से करिएगा, अपने आप तय छोड़ देगा। देखिए कुछ इस तरह से नहीं पकड़ेगा, देखिए ऐसे लोई कर लीजिएगा। कुछ लोग थे ना हाथ से ही पराठा बना लेते, थोड़ा सा बेलने के बाद हाथ पे ऐसे ऐसे करके उल्टी पलटी करके बना लेते हैं, पर हम बेल के बना रहे हैं। तेल लगा के बेलेंगे तो पकड़ेगा ही नहीं। देखिए कुछ पूरी इस तरह भटूरा हम लोग का खिल रहा है। ये हाई से थोड़ा लो फ्लेम में इसको भटूरा कुछ इस तरह फुलाना। मेरा छोला भी रेडी है, इसको थाली में निकाल कर कुछ इस तरह सर्व करेंगे। आप चाहे तो अचार के साथ भी ले सकते, अचार प्याज दोनों ऐड कर सकते हैं।